हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वेवलेंथ दे रखा है। हमें उसको क्या करना होगा, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन है हमारा यहाँ पर, गिवन है हमें वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं बेसिकली। तो ये है आपका 5800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आपको करना क्या है, इसको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए यूनिट कितना होता है। इसको चेंज करेंगे हम 5800 × 10⁻¹⁰ m। ये हो जाएगा आपका, रीजन के तौर पर आप देंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 10⁻¹⁰ m होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रीज़न है हमारा क्या, कि जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10⁻¹⁰ m के इक्वल, तो आपका 5800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होगा, 5800 × 10⁻¹⁰ के इक्वल। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब आपको देखिए बहुत ही सिंपल। अब आपको यहाँ पर जो गिवन है वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जब चेंज भी कर दिए वैल्यू, अब हमें निकालना है वेव नंबर। इस वेव नंबर को कैसे निकालेंगे, तो देखिए फॉर्मूला के पर ही चलेंगे हम। तो वेव नंबर जो हो जाएगा हमारा, डेट इज़ वी के ऊपर एक बार देते हैं। तो देखिए ये जो आपका वेव नंबर होता है, ये आपका ये डायरेक्टली होता है या इन्वर्सली होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/5800 × 10⁻¹⁰ ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका क्या होता है कि वेव नंबर जो आ जाएगा आपका, वेव नंबर डैट इज, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, 58 को जैसे कि अगर मान लीजिए रहने देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को देखिए कैसे शॉर्ट करना है आपको, यहाँ पे बता रहे कि जैसे आप क्या कीजिए, ये 1/58 × 10⁻¹⁰ और ये 2 0 है, 2 0 क्या होगा, मल्टीप्लाई में ऐड होता है प्लस का 2। यहाँ से क्या आ गया, 5800 × 10⁻¹⁸, ये आ गया। अब आप इसको जो है सिर्फ 58 लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, जो वैल्यू आएगा जैसे यहाँ पे हम चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। वेव नंबर आपका कितना आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 1 पॉइंट या 0 पॉइंट का पड़ा, तो 1 5, ये 1.724 × 10⁻¹ m पर मीटर आ जाएगा यहाँ पर बेसिकली। तो ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पर आप पॉइंट लेके सॉल्व कीजिएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज़ ऊपर गया तो 10⁸ और उसमें से क्या किए, 2 0, 2 पॉइंट हम पीछे लगा दिए। जब पीछे शिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम, ये जो पावर रहता है पावर में हम माइनस करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, यानी कि 8 जो हुआ, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁸ होगा और माइनस का हम इधर 2 कर दिए तो ये 6 आ गया, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन आप अच्छी तरह जानते हैं तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारा वेव नंबर आ चुका है, हमें निकालना अब क्या है दूसरा, ये ए का था बेसिकली, ये ए का है, दूसरा निकालते हैं बी के लिए।
फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं यहाँ पर, तो सी बाय लैम्डा होता है। ये सी बाय लैम्डा को याद रखने के लिए क्या याद रखना है आपको, सी इक्वल्स टू सी इंटू लैम्डा इक्वल्स टू वी। अगर आप ये फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, वी निकालना है और यहाँ से मतलब ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये रिवर्स आता है, ये ऐसे नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहेगा, ये आपको डिवाइड में आ जाता है। यही चीज़ फॉर्मूला, जैसे कि क्या होता है ना, सी इक्वल्स टू वी इंटू लैम्डा, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक था, वहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये आपका बुक में जो है ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली हम क्या किए, वी हमें निकालना था, हम इसको बाय में लेके गए और यहाँ से जो है हमारा वी निकल गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे सी का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका बेसिकली लाइट का जितना होता है वही होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका जो लैम्डा निकला, लैम्डा कितना आया था, 5800 × 10⁻¹⁰, ठीक है, ये आपका इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं इस पोर्शन को। अब देखिए हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जो वी हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ बाय में 58 रहने देते हैं, और यहाँ से दो जीरो निकाल लेते हैं, यानी कि 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है चूंकि, तो दो जीरो, देखिए मल्टीप्लाई में है, दो जीरो हमारा हुआ यानी कि 58 × 100 है ना, तो दो जीरो आपका क्या होगा, प्लस का जाता है मल्टीप्लाई में, तो प्लस किए तो यहाँ से कितना आया, 3 × 10⁸ बाई 58 × 10⁻¹। अब देखिए ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 3 × 10⁸ और ये माइनस और माइनस का 8, अब ये देखिए 58 रह गया। यहाँ से वी कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁻¹, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 58। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, सॉल्व करेंगे कैसे, देखेंगे पहले तो ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली 8 5 प्लस करेंगे अगर हम, 9 5 14, तो ये 13 होता है, कैंसिल नहीं होगा। जब ये कैंसिल नहीं होगा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो फिर जब कैंसिल ही नहीं हो रहा तो हम यहाँ से 3 × यहाँ से मान लीजिए दो जीरो हम ले लेते हैं, ठीक है, कैंसिल करने के लिए हम जो है बेसिकली जीरो को हटा दिए, ठीक है। तो यहाँ से दो जीरो लिए, 6 में आप दो जोड़ोगे तो 6 नहीं सॉरी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14, 14 में दो जोड़ोगे तब आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कैंसिल के लिए बस यहाँ पे लिए हैं, तो 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 2 से 5 0, और फिर ये वैसे ही रह गया, तो मतलब बेसिकली 150 × 10⁴ करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, 29 का टेबल अगर आपको आता है देन फाइन, नहीं आता है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल जैसे करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड कीजिएगा आपको 5.172 तक जाएगा, हाँ, तो 10⁴ और पर सेकेंड का रह जाएगा, यहाँ पर सेकेंड का रह जाएगा, ठीक है, वैल्यूज को आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो आंसर होगा हमारा, दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आया, 5.172 × 10⁴ पर सेकेंड। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आगे की जो वीडियोज आएंगी वो आपको मिलती रहे। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।